अपना दिमाग अगर मैं लगा लेता तो मैं कुछ और नहीं कर रहा होता। Hello everyone, namaste. It is the Ferike, aka Kiran, and welcome back to my channel. So how you all are doing? I hope you are very good and healthy. So aapne title se to padh hi liya hai ki it is a Meesho haul. Last haul which I did was 2 months back, yani ki November mein I did a saadi ka haul. Then uske baad ye first Meesho haul hone wala hai is saal ka. So I'm very excited kyunki main bahut sari choti choti and bahut zyada sasti cheeze aaj aapke liye leke aaya hu. And I hope aapko inme se koi na koi cheez to pasand aa hi jayegi. All the codes and the links are in the description, तो आप वहां से चेकआउट जरूर कर सकते हैं। एंड आई विल गिव माई 100% ऑनेस्ट रिव्यूज कि क्या चीज कितनी अच्छी है, क्या चीज कितनी बुरी है, तो आप उसके बाद ही फाइनल करना कि आपको वो चीज लेनी भी है कि नहीं लेनी है। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट द वीडियो। वेट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड इट टेक्स नथिंग फ्रॉम यू, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक भी कर देना एंड प्यारी प्यारी कॉमेंट्स मेरे लिए जरूर छोड़ के जाना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वीडियो का हमेशा रिवाज होता है कि सबसे सस्ती चीज से हम शुरू करते हैं एंड देन वी पास ऑन टू द सबसे महंगा आइटम। आज के हॉल का सबसे सस्ता आइटम सिर्फ और सिर्फ 85 रुपीज का है। सो 85 रुपीज में आई हैव गॉट यू अ पेंसिल आई लाइनर। तो ये इसकी पैकेजिंग है, इसको मैंने पहले ही खोल लिया था तो हम इसकी तरफ नहीं देखेंगे। सो दिस इज आर मेन प्रोडक्ट। सो ये एक बबल रैप के अंदर आया था। पहले बबल रैप खोल लेते हैं, ASMR करते हैं आपके लिए। तो ऐसे बबल रैप के अंदर ये अच्छे से पैक होके आया था, बट मैंने इसको एडवांस में खोल लिया था एंड इसको बहुत जोर से खींचना पड़ता है। सो दिस इज आर आई लाइनर। आप इसको देखो ना करीब से, तो इसकी जो पेंसिल है ना वो हल्की सी यहाँ पर ना मुड़ी हुई है, विच इज अ नेगेटिव पॉइंट। तो इसकी टिप मोड़ने की वजह से ना आई लाइनर का जो विंग है ना उसको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मैंने इसको ट्राई भी किया था सीधे करने के लिए, बट ये जैसा है वैसे का वैसा ही है। इतना बढ़िया इसके अंदर लिक्विड है और इतने अच्छे से ये लग रहा है ना। सो ये इतना अच्छा मस्त एकदम डार्क कलर है, बट आई होप कि आपके पास ऐसा मुड़ा हुआ इसका वो ना आए अगर आप मंगाते हैं तो। बट ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो ये सूख चुका है, ऐसे अगर हाथ से स्मच करोगे ना तो नहीं फैल रहा है। देखो हल्का सा फैल, ओह भाई मैं एक्सपोज हो गया, फैल रहा है ये। कोई बात नहीं, इतना बहुत तो फैलता ही है। अब हर कोई आईलाइनर लगा के अपनी आंखें थोड़ी रगड़ता है नहीं, लड़कियों रगड़ते थोड़ी अपनी आंखों को। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो बट देखा जाए तो क्वालिटी अच्छी है इसकी, नॉर्मल डेली यूज के लिए अच्छा है ये आईलाइनर। और इसका कलर डार्क है, बस मेरे को ये ही प्लस पॉइंट लगा एंड ये बहुत ही ज्यादा मतलब कन्वीनियंट होने वाला है इधर उधर ले जाने के लिए। बाकी ऐसे अगर आपको 24 आवर्स रखना है तो आई डोंट थिंक ये सर्वाइव कर पाएगा, बट ठीक है, आई विल गिव 7 out of 10। अच्छा है, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड आइटम। सो द नेक्स्ट आइटम विच आई गॉट फ्रॉम मीशो इज ओनली फॉर ₹96 एंड ये मैंने बहुत जगह देखा था, लाइक लोगों के एस्थेटिक एंड पिंटरेस्टी चीजों पे, आउटफिट पे मैं बहुत ज्यादा देख रहा था। सो इट इज द पर्ल नेक पीस। हर बार कोई भी नेक पीस या इयरिंग होती है ना उसके साथ में आपको प्लास्टिक का बॉक्स मिलता है, बट इस वाले नेक पीस के साथ में मुझे सिंपल ऐसी पैकेजिंग में मिला एंड दिस इज आवर प्रोडक्ट। सो दिस इज द नेक पीस, बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये, लाइक जैसे आपको यहाँ पे फोटोज में दिख रहा था सेम टू सेम वैसा ही है। इतना सुंदर है एंड लाइट वेट बहुत ज्यादा है। इसका मुझे ओपनिंग पता नहीं चला क्योंकि सब जगह आप देख सकते हो पूरा पॉली पॉल है, मुझे खोलना ही नहीं आया इसको। बताओ, एस्थेटिक चीजें मंगा ली है और खोलना ही नहीं आता है। बहुत देर दिमाग लगाने के बाद में इस छोटे से दिमाग में आया आइडिया कि इसको ऐसे करके खोला जाता है। बहुत ही सुंदर, इसमें हार्ट शेप का, हार्ट शेप है ये, पान है ये, पान का पत्ता बना हुआ है, हार्ट बना हुआ है हार्ट शेप का, ऐसे यहाँ पे चाम लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर। एंड पूरे नेक पीस पे आप देख सकते हो ऐसे व्हाइट पर्ल बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा नेक पीस है विच इज ओनली फॉर ₹96। लाइक अगर आप चेक करते हो वेबसाइट पे तो आपको तो महंगा दिखेगा, ऑनलाइन पेमेंट करते हो एंड रॉन्ग एंड डिफेक्टिव वाला ही ऑप्शन चूज करते हो तो आपको सस्ते में मिल जाता है। मैं तो हमेशा ऐसे करता हूँ, ये छोटा सा दिमाग बहुत तेज चलता है। सो दिस इज आवर नेक पीस। मेरे को गले में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ये, लाइक पूरा अगर यहाँ पर फिट होता ना तब बहुत सुंदर लगता। सो ये कुछ ऐसा लगने वाला है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा ऐसे महारानी वाली वाइब आ रही है। पहली बार इतना एस्थेटिक फील कर रहा हूं मैं इसको पहन के, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लाइक 95 में क्या मिल सकता है, 96 में क्या मिलेगा। और एंड इसको मिलते हैं 10 में से पूरे 9, एक मार्क्स मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा हल्का है एंड इसका कलर भी मुझे नहीं पता कि आगे जाने वाला है कि नहीं। तो ये तो था हमारा सुंदर सा पर्ल नेकलेस। आप मूव ऑन करते हैं हमारा नेक्स्ट आइटम के लिए। सो द नेक्स्ट आइटम विच आई गॉट फ्रॉम मीशो इज द पैक ऑफ 12 स्क्रंची रबर्स। ये पूरा 12 का पैक है, इसको मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया है, लाइक एक चीज मैंने अभी के लिए बचा के रखी है। तो आई होप इसके अंदर कुछ डिफेक्टिव पीस ना हो। चलो खोल लेते हैं इसको एंड इसका इलास्टिक चेक कर लेते हैं। वाओ, बाहर ही बाहर, स्क्रंचीज ही बाहर। एक टाइम पे स्क्रंचीज इतने ज्यादा पॉपुलर थे एंड अब बो का टाइम है,
यानी कि बो वाले रबर्स एंड इनका टाइम है, ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा इलास्टिक भी नहीं बोलूंगा मैं इनका, बट ठीक है, दो फोल्ड तो हो ही जाएगा ना, डबल फोल्ड, देखो इससे ज्यादा ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है। ब्लू, रेड, पीच, ये पता नहीं क्या कलर है, कोई ब्राउनिश टाइप का कलर है, व्हाइट है, नेवी ब्लू है, देन वी हैव पिंक, देन वी हैव लाइट पिंक, देन वी हैव ग्रे, ब्लैक एंड ग्रीन। सो दीज आर द 12 स्क्रंची रबर्स जो मुझे सिर्फ और सिर्फ 112 रुपीज के मिले हैं। आज मेरे पास ये 12 के 12 दिखेंगे, 5 दिन इंतजार करो, 5 दिन भी नहीं बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन इंतजार करो, ये रबड़ मुझे मिलेंगे ही नहीं। कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। आई प्रे फॉर यू कि आप बस जहाँ मैं आपको रखूँ वहीं पे आप रहना, उससे आगे कहीं में जाना, क्योंकि रबड़ आपको मिलते ही नहीं। रबड़ और जो ये पिंस होती है ना, पिंस एंड क्लिप्स होती है ना, ये आप एक बार ही ले लो, उसके बाद आपको ये जन्म भर दिखती ही नहीं है। बात तो सही है, अपनी मर्जी से इनके पास पैर आ जाते हैं और ये चल के पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। तो अभी तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं एंड सबके इलास्टिक अच्छे ही हैं, बट ये क्वालिटी में बहुत ज्यादा हल्के हैं, लाइक नॉर्मल डेली यूज के लिए ठीक है। अब मैं मैचिंग मैचिंग पहनूंगा, आज हम पहन रहे हैं क्रीम कलर का, तो आई विल यूज दिस व्हाइट वन। दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, आई होप इट इज लुकिंग गुड, क्योंकि मैं तो देख नहीं पा रहा कैमरे पे। और इसको भी हम देंगे 10 में से सिर्फ 8 पॉइंट्स, क्योंकि 2 इसकी क्वालिटी के लिए और ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा है उसके लिए, बाकी तो ठीक ठाक है ये, इतना भी बेकार नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट आइटम। सो आर नेक्स्ट आइटम इज ऑल्सो अ नेक पीस विच आई गॉट फॉर ₹121। दोबारा से मैंने एक पर्ल वाला नेकलेस मंगाया है, बट ये थोड़ा इस वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। सो ये वाला नेकलेस मैंने बहुत पहले ही मंगा लिया था, तो इस वजह से इसका आपको पैकेजिंग नहीं दिख रहा है, बट आई गॉट दिस वन इन द छोटू सा व्हाइट बॉक्स एंड दिस इज द थैंक यू नोट। ओ सॉरी, उल्टा है, ये थैंक यू नोट मीशो की तरफ से, थैंक यू यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग। एंड ये छोटा सा यहाँ पर ऐसा व्हाइट वाला फोम वाला, दिस इज आर नेकलेस क्रीम कलर में 3 लेयर के साथ में हमको ये नेकलेस मिलता है। साइड साइड पे आपको छोटी वाली बीडिंग है एंड बीच में सेंटर पे आपको बिल्कुल बड़े वाले गोल वाले पर्ल मिल रहे हैं एंड ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। मेरे को लग रहा था ये अलग अलग आएगा, बट ये एक साथ ज्वाइंट होके आया है एंड गोल्डन कलर का इसमें डोरी दे रखा है आपको, जो मेरे को नहीं पसंद आया। व्हाइट कलर में होता ना तो ठीक था, लाइक आगे से एकदम क्रीम इतना सुंदर सा और डोरी एकदम येलो कलर की, तो ये सोने के गहने होते हैं ना उनपे ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसे पर्ल वाले पे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है पहनने के बाद में, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लाइक बिल्कुल एकदम लुकिंग लाइक ए वाव वाला पीस है ये, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अगर आपको किसी साड़ी के साथ में या किसी भी सूट एथनिक वेयर के साथ में इसको पेयर करना है तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। किसी आउटफिट में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, लाइक आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल ज्वेलरी पहननी है, तो ये वाला ऑप्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। लाइक कान में भी आप पहन सकते हो, व्हाइट कलर के पर्ल्स होते हैं ना छोटे छोटे, सेट भी होगा इसमें, बट आई डोंट नो, मेरे को तो ये सिंपल से रिसीव हुआ है, बट बहुत सारे पेयर के साथ में ना, नेक पीस के साथ में आपको ना कान के भी मिल जाएंगे, तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है ये, आपके हर आउटफिट के साथ में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा एंड कॉम्प्लीमेंट करेगा आउटफिट को। आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता है, सिर्फ 121 रुपीस में आपको ये मिल जाएगा। सो पर्ल नेकलेस को मिलते हैं 10 out of 10, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। सो जो नेक्स्ट थिंग मैंने मीशो से मंगाई है इट्स फॉर ₹130। सो आई हैव गॉट अ कॉम्बो ऑफ वेट वाइप्स एंड जो छोटे से हैंड सोप्स होते हैं ना, जिनको आप पानी के नीचे रखो तो वो झाग जैसे बनना शुरू हो जाता है, उसे आप हाथ धो सकते हो, तो ऐसा ही कुछ था, बट मेरे को दिखा तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं मंगा के कैसा जो आता है। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द पार्सल, इसको मैंने पहले खोल लिया था एंड इतने अच्छे से बबल रैप के अंदर ये सब पैक होके आया है ना, ये देख सकते हो आप, पिंक कलर का ऐसा यूनिकॉर्न वाला। सो ये हमारे पास इतना सुंदर सा यूनिकॉर्न वाला कैन मिला है हमें, तो इसके अंदर हमारे वेट वाइप्स हैं एंड ये वाला जो है टेस्ट ट्यूब जैसा मिला है ना, इसके अंदर आपको सारे अलग अलग शेप के इसके अंदर के मिनी सोप है, लाइक आप इसको किधर भी ले जा सकते हो ट्रेवल करते समय, जैसे आपको कहीं भी खाने से पहले हाथ धोना है तो आपको सिंपली बस ऐसे निकालना है इसके अंदर। अभी रुक जाओ, स्टार वाला मिला है मुझे, तो ये स्टार वाला है, इसको आप क्या करना है ना, इसको ऐसे पानी के नीचे रखोगे, लाइक मेरे पास अभी है पानी, ये देखो, इसको पानी के नीचे रखोगे ना तो आपका ये झाग बन जाएगा, ये देख सकते हो आप, साबुन है पूरा। और ये इतने सारे हैं हमारे पास, देख सकते हो आप, तो ये हमारे पास एक है स्टार वाला। तो ये छोटे छोटे मिनी सोप्स आपको इस पूरे टेस्ट ट्यूब के अंदर मिल जाएंगे, लाइक बहुत बड़ा है, मेरे हाथ जितना बड़ा है एंड इसके अंदर इतने सारे हैं, इतने सारे, एक ही से इतना अच्छा वाला झाग आ जा रहा है, तो आप इसको बहुत टाइम तक यूज कर सकते हो। आप मूव ऑन करते हैं ये वेट वाइप्स की तरह, इसको तो मैंने अभी खोला भी नहीं है, इसके अंदर आई डोंट नो कितने होंगे, बट इसको खोलते कैसे हैं, मेरे को तो आज तक कैन खोलना ही नहीं आया, मेरे से हमेशा कैन की ये जो ऊपर की ये चीज होती थी ना ये टूट जाती है, क्योंकि मेरे पास नाखून नहीं है मम्मी। टूट गया। बोला था ना मैंने कि मुझसे टूट जाता है, मुझे पता ही नहीं खोलते कैसे है, अब तो ये खुलेगा भी नहीं, कैसे खोलूं इसको मैं, जो काम हाथ से ना हो ना वैसे चाकू हथियार से हो जाते हैं यार, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें क्यों बनाते हैं यार, नॉर्मल सा बना देते ना कुछ अच्छा। ये ऐसे करके ढक्कन है यार, मैं उल्टा ही खोल रहा था इसको,
बताओ आप टूट गया आप लगाएंगे बहन करके इसको ओपन कैसे करेंगे? देख लो अगर आप मंगाओगे तो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, जो आगे होता है ना इसे, ये जो यहाँ पर जब मुझसे टूटा है ना, हम जैसे जंगलियों की तरह से उखाड़ना नहीं पड़ता, नॉर्मल सा ऐसा ढक्कन है ये, ठीक है, ये ढक्कन है और यहाँ पर ये व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ लगा हुआ है। अब इसको कैसे निकालना है देखो, नेक्स्ट मेरे साथ क्या हुआ है ये कुछ थोड़ा सा हिल रहा था तो मैंने इसी को उखाड़ दिया है पूरा का पूरा, बट हमारे को वेट वाइप्स मिल रहे हैं ना, हमको तो ये देखने हैं, तो ये हमारे को ऐसे करके पैकेट मिल रहा है पूरा, तो इसके अंदर हमारे वेट वाइप्स हैं, मीठी मीठी खुशबू है इसके अंदर, ओ तो ये पूरा बंडल है ऐसे देख सकते हो आप। अगर हम इसको इसके अंदर रखते हैं तो ये ऐसे करके आना चाहिए ना, ओ अच्छा खुद ही एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको खुद ही ऐसे करके निकाल के रखना पड़ेगा और खुद ही इसको लगाना पड़ेगा, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज हमारे को क्यों देनी थी, इतना दिमाग अगर मैं लगा लेता तो मैं कुछ और नहीं कर रहा होता। प्यारी समझ गई तो अगर आप कोई मंगाते हैं इसको तो इसको पूरा देख लेना कि मैंने कैसे निकाला है, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि केक कैसे यूज होता है, ठीक है। इसको दोबारा से लगा लेते हैं, हाँ अब बन गया ये, अब इसको मैं अच्छे से निकाल सकता हूँ, अब इसको बर्बाद नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रख देते हैं और ऐसे करके लगा लेते हैं। तो ये हमारा मिनी वेट वाइप है, अच्छा है, मतलब उतना भी वेट नहीं है, ठीक ठाक है, लाइक हाथ वगैरह थोड़ा बहुत क्लीन करने के लिए ठीक है, बट इसकी खुशबू अच्छी है, वाह मदहोश कर देने वाली खुशबू है इसकी, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है देख सकते हो आप, बहुत छोटू सा है, एक बारी वाइप करने के लिए ठीक है, देख थोड़ा सा पानी पानी देख सकते हो आप, हल्का सा शाइन करेगा अगर पानी तो। सो दिस इज आर कॉम्प्लिकेटेड थिंग जो मैंने 130 की मंगाई है, बट अच्छी है, ट्रेवल फ्रेंडली तो है ही और बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये, बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तो इसको मिलते हैं 10 में से 8, दो नंबर इसको थोड़ा सा खोलने के लिए, बहुत दिमाग चलाने के लिए दो नंबर इसमें काटेंगे हम, मैं तो कहीं जाता नहीं घर से बाहर तो मेरे लिए यूजलेस सा है, बट फ्यूचर में कभी ट्रेवल करेंगे तो ये काम आ जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आइटम। सो आवर सेकंड लास्ट प्रोडक्ट इज अ वेरी वायरल प्रोडक्ट, ये इतना ज्यादा वायरल हो रखा था कुछ टाइम पहले तक मीशो पे, एंड मैं जितनी बारी इसको ऑर्डर करने पे जाऊं ना उतनी बारी ये आउट ऑफ स्टॉक चला जाता था, फाइनली ये रीस्टॉक हुआ एंड मैंने इसको मंगा ही लिया, बड़ी जद्दोजहद करने के बाद में हमको अपना ये वाला प्रोडक्ट मिल ही गया। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल आई शेडो पैलेट जिसके अंदर इतने सारे कलर्स हैं। सो मेरे को देखना था कि जितना इसका हाइप बन रखा है पूरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे उतना ये प्रोडक्ट है भी काम का कि नहीं है। सो मेरे को ये ऐसे बॉक्स में रिसीव हुआ एंड बॉक्स की बाहर की हालत देख के तो लग रहा था कि अंदर का सामान टूट गया होगा, बट इसकी पैकेजिंग अच्छी थी, तो ऐसा पूरा बबल रैप के साथ में आपको इसकी पैकेजिंग मिल जाएगी एंड इसके अंदर ऐसे करके हाफ पन्नी था ये, बस इसके ऊपर का गायब था। तो ये रहा हमारा क्यूट सा कलर पैलेट एंड इसके अंदर आपको 4 अलग अलग पैलेट मिलते हैं हर एक कलर कॉम्बिनेशन के। फर्स्ट वाला ग्रीन है, ग्रीन में भी आप देख सकते हो 3 हमारे पास में ग्लिटर शेड्स हैं एंड बाकी सारे न्यूट्रल शेड्स हैं, एंड सब पैलेट में आपको हर एक कलर का ग्लिटर शेड मिल रहे हैं, बाकी नॉर्मल है। नेक्स्ट वाले पैलेट पे भी 2 ग्लिटर शेड है एंड बाकी नॉर्मल है। लास्ट वाले पैलेट पे भी 2 ग्लिटर शेड्स है एंड बाकी नॉर्मल है। ये पर्पल का शेड है पूरा, ये न्यूट्रल वाला बेस है एंड रेड रेड टाइप थोड़ा सा, ये वाला ग्रीन है एंड एक ब्लू वाला शेड है। तो आप चेक कर लेते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्मूथ है भी कि नहीं है, ग्लिटर वाला ट्राई करते हैं इसका ग्लिटर, ओ ग्लिटर तो बहुत डार्क है, ओ अच्छा लग रहा है ग्लिटर, शिमरी शिमरी सा। सो ये हमारा पहला पैलेट है। नेक्स्ट वाले बोर्ड पे है रेड वाला शेड है, ग्लिटर तो बहुत ज्यादा सुंदर है, कहाँ लगाऊं हाथ ही भर गया मेरा, ये रेड वाला है। नॉर्मल छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए तो ये ठीक है, मैंने आज तक कोई बड़ा वाला कंपनी का मेकअप पैलेट तो खरीदा नहीं है, तो मुझे भी पता नहीं है कि कैसे यूज होता है या कैसे, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए या कितना अच्छे से स्मज होना चाहिए, कितना मतलब अच्छा होना चाहिए आंखों पे, बट ठीक ठाक है, लाइक 7 out of 10 इतना ही देना चाहूंगा। क्या ये गोला जो होता है ना, ये गोले के अंदर जो कटोरा है ना जिसके अंदर ये ग्लिटर है, वो थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकल रहे हैं, पता नहीं यूज करने के बाद ही पता चलेगा कैसा है, बट 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इतने सस्ते में, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो ये ठीक ही है। सो मुझे तो अच्छा लगा, आई लव द प्रोडक्ट, और 7 मिलते हैं इसको 10 में से, तो ये अच्छा मेकअप पैलेट है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, फाइनली मैंने देख ही लिया कि आखिर ये है कैसा। तो ये था हमारा सेकंड लास्ट आइटम, लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट आइटम। सो द वेरी लास्ट थिंग ऑफ दिस हॉल इज ओनली फॉर ₹306 एंड दैट इज अ शोल्डर बैग, ये मुझे ऐसे रिसीव हुआ था, बट इस पूरे पार्सल से इतनी बेकार स्मेल आ रही है, लाइक बैग में से बहुत ज्यादा अजीब सी स्मेल आ रही है मुझे, बट बैग हमारा बहुत ही ज्यादा सुंदर है। सो दिस इज आर सुंदर सा शोल्डर बैग जो ऐसे यू शेप में है, मुझे बहुत टाइम से चाहिए था ऐसा बैग, और इसके अंदर अभी पता नहीं शायद से अखबार भर रखा है, तो ऐसे चांद की शेप का है ये पूरा बैग, और इसके अंदर एक ही चेन है, इसको निकाल लेते हैं पहले। तो ये पूरा खाली हो चुका है,
इसके अंदर आप देख सकते हैं एक ही पॉकेट है पूरा, एंड इसके साइड पे आप देख सकते हो बकल लगा हुआ है ऐसे दोनों साइड पे, तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। इसमें होल्स दे रखे हैं आपको, अगर आपको इसको थोड़ा सा और छोटा करना है तो आप इसको कर सकते हैं। साइड से ये बहुत ज्यादा पतला है इसका डोरी, एंड थोड़ा सा ऊपर जाते जाते ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। एंड इसमें थोड़ा सा ऐसे ग्लिटरी वाला इफेक्ट है, देख सकते हो आप, हल्का सा चमकने वाला है ये, लाइक प्लेन नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ग्लिटर जैसा इफेक्ट आ रहा है इसमें। तो इसके फ्रंट पे यहाँ पर कोई तो कंपनी का नाम लिखा है, बट उससे हमें कुछ नहीं लेना। सो इस बैग को स्टाइल किया था मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो पे, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आई हैव क्रिएटेड आउटफिट अंडर 500 रुपीज इन माई लास्ट वीडियो, तो आप वहां पर जाके चेकआउट कर लेना। वहां पर मैंने इसको बहुत अच्छे से स्टाइल किया था अपने आउटफिट के साथ में, तो ये बहुत ही सुंदर है, लाइक देखो आप इसको, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हमारे पास पैसे नहीं होते, बस फोन होता है, तो फोन तो इसमें आ ही जाएगा, एंड कार्ड्स एंड ऑल भी आ ही जाएगा आपका इसमें, कार्ड्स में भी पैसे नहीं है गाइस, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। हर एक कैजुअल से लेकर आपका जो एथनिक होते हैं या आपके वेस्टर्न वेयर्स होते हैं ना, जिनको आप थोड़ा सा शीक एंड थोड़ा एजी लुक देना चाहते हैं, इस वाले बैग के साथ पे आप वो कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा मुझे, और बहुत ही प्रिंटरेस्टी एंड एस्थेटिक बैग है ये, तो ये बहुत अच्छा है। इसको मिलते हैं 10 में से 10, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, एंड पहली बार मैंने कोई शोल्डर बैग खरीदा था मीशो से, एंड वो इतना अच्छा रिसीव हुआ है, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये बैग। सो दिस वॉज आर लास्ट आइटम, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सारे के सारे कोड्स एंड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको मुझसे कुछ और भी पूछना है वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, एंड अगला वीडियो आपको किस चीज के ऊपर देखना है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, एंड चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना, एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय 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 बाय।